गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए।